अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की हमारी वीडियो सोर्सिंग पर होने वाली थी, लेकिन अब मुझे कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि पहले आप हमें ये तो बता दें कि प्रोडक्ट का आइडिया कहाँ से लेना है, फिर ही हम फर्दर प्रोडक्ट हंटिंग पर जाएंगे ना। तो मैंने सोचा कि चलो पहले आज प्रोडक्ट हंटिंग के जो प्रोडक्ट आइडियाज़ हैं उसको कहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट आइडियाज़ ले सकते हैं, पहले उस पर मैं वीडियो बना देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी सोर्सिंग पर होगी। तो हमारा प्रोडक्ट आइडिया कहाँ से लिया जाए? सबसे पहले तो आप खुद देखें, सपोज़ आप अपने कमरे में बैठे हैं, ठीक है, तो उसमें देखें कि आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अमेज़ॉन पर सर्च करें और उसका क्राइटेरिया पूरा उतर सकता है। अगर नहीं तो आप कॉपी पेंसिल जल्दी से पकड़ लें और मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आप देखें आपकी इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं। अगर आप बेड पर बैठे हैं, बेड के साइड टेबल पर टिशू बॉक्स होल्डर पड़ा होगा, टिशू बॉक्स पड़ा होगा, अब टिश्यू बॉक्स होल्डर, टिश्यू बॉक्स ऑर्गेनाइज़र, टिश्यू रैक, आप इस तरह से देखें, तीन आइडियाज़ आ गए। टिश्यू बॉक्स होल्डर, ठीक है, देखें ये आ गई हमारी टिश्यू बॉक्स होल्डर, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखें कि आपके पास शूज़ हैं, शूज़ पहनते हैं हम सब, शू रैक है, शू ऑर्गेनाइज़र, शू पॉकेट्स होती हैं, यानी कि जो पॉकेट्स वाला ऑर्गेनाइज़र होता है शूज़ का। फिर उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन होल्डर कर सकते हैं आप। और मतलब इस तरह से आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं या डेकोरेशंस हैं, आप वुडन वाज चेक कर सकते हैं, आपके टेबल पे पड़ा हो सकता है वाज, और प्लांट पॉट हो सकता है। ये अभी मैं आपके सिर्फ रूम में जो आपकी चीज़ें हैं ना, अब मैं आपको वो काउंट करवा रही हूँ, ठीक है। किचन में तो बेतहाशा है ना, किचन में चले जाते हैं, अगर आप नाइफ़ है, नाइफ होल्डर है, पीलर है, वेजिटेबल पीलर है, अनियन स्लाइसर है, लाइक इस तरह से आप अपने किचन में जाएं, कॉपी पेंसिल पकड़ें, किचन में जाएं और एक एक चीज़ लिखें कि ये हमारे विद इन हमारे रिक्वायर्ड वेट आती हो, इसका सर्च वॉल्यूम अमेरिका में कैसा। आप ये ना देखें कि आप पाकिस्तान में ये चीज़ें कैसे यूज़ हो रही हैं, हमने जिस मार्केट में देखना है आप उस कंट्री में देखें। आपने मूवीज़ में अक्सर देखा होगा कि वो लोग कौन सी किसी चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। वो अगर हम लोग इतना नहीं करते यहाँ पाकिस्तान में, मतलब मेजोरिटी जो है वो बाईसाइकिल पर अगर वो राइडिंग कर रही है तो वो कोशिश होती है कि हमारे बैकपैक में हमारी वाटर बॉटल हो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, साइकिल में उन्होंने लगाया होता है वाटर बॉटल होल्डर, ठीक है। मैं ओवरऑल बात नहीं करी, मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कॉफ़ी कप होल्डर होते हैं, बाइक्स पे कॉफ़ी कप होल्डर्स लगाए होते हैं, मतलब इस तरह से आप जितना खुद को ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंसी के साथ प्रोडक्ट आइडियाज़ ढूंढेंगे ना, आपको वो ज़्यादा मिलेंगे, बजाय इसके कि आप एक चीज़ को लेकर चले कि नहीं मैंने वो मुझे बताएंगे या मेरी मेंटोर मुझे बताएंगी तो मैं फिर ही वही आइडिया सर्च करूँगा, ठीक है। अब वो लोग वाइन ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, यूएसए में वाइन बहुत यूज़ होती है, वाइन स्टॉपर हो गया, कॉकटेल शेकर हो गया, वाइन होल्डर हो गया, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो है ना, वाइन ओपनर, देखिए कितने आइडियाज़ मैंने अभी आपको दे दिए हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा तो आप क्या करें, सिंपल गूगल पर जाएं, ये वैसे जितने आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं ना, आप इसको खुद से भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आप इसके अलावा करें, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में चले जाएं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में चले जाएं, इतनी चीज़ें हैं, क्रिकेट है, क्रिकेट का बैट हो गया, क्रिकेट की बॉल हो गई, इस तरह से अगर आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं, अगर क्रिकेट की किट में कितनी चीज़ें आती हैं, एल्बो ब्रेस होता है, शिन पैड्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। मतलब एक चीज़ को पकड़ लें, उसी को लेकर चलें, क्रिकेट किट बैग। अब देखें कितनी चीज़ें मैंने आपको यहीं पर सिखा बता दी हैं कि आपके आइडिया कहाँ से ले सकते हैं, छोटी सी चीज़ से लेकर आप थोड़ी सी नॉर्मल साइज़ तक आप अपना आइडिया जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आइडिया आपको आ जाएगा, आप उसको सर्च करें अपना क्राइटेरिया, वो आता है कि नहीं आता। वैसे मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझे कुछ आइडियाज़ मेरे कमेंट में देंगे या मुझे ईमेल करेंगे, मैं उसको चेक करूँ ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना पता चल रहा है। अदर वे क्या है आइडिया ढूंढने का, गूगल पर जाएँ। अब आपके पास, आपको पता है कि अमेरिका में टोटली आई थिंक ऑलमोस्ट हर घर के आगे एक लॉन लाजमी होता है, गार्डन लाजमी होता है, यहाँ पाकिस्तान में तो हर घर के आगे नहीं होता ना, उधर लाजमी होता है। तो आपने क्या करना है, लॉन टूल्स और कर सकते हैं या गार्डन टूल्स लिस्ट, ये देखें ये आ गई, कितनी लिस्ट आ गई आपके पास। अब इसमें से आप कितनी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि आप वो आइडिया यूज़ कर सकते हैं, आइडिया निकाल सकते हैं, जैसे ही हम ये ग्लव्स हो गए, वाटरिंग कैन हो गई, सॉस हो गए, गार्डन हो,
वीडर्स, नाइफ, ये देखिए ना, ये छोटे छोटे छोटी चीज़ें हैं, ये हो सकता है आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतर आए। इसी तरह फिशिंग है, फिशिंग टूल्स या हंटिंग टूल्स भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी लिस्ट निकल आई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको पता चले कि प्रोडक्ट का आइडिया लिया कहाँ से जाता है, ये कैसे आ सकता है। ठीक है, सबसे आसान चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने घर से, अपने कमरे से स्टार्ट करें कि कहाँ से क्या क्या चीज़ जो है वो आपके आ सकती है। आपकी कबर्ड है, कबर्ड में ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, कबर्ड में हैंगर ऑर्गेनाइजर्स होते हैं आपके, कुछ भी मतलब कैप और होल्डर्स, ग्लासेस ऑर्गेनाइज़र। अब एक चीज़ है लाइक स्पाइस है, स्पाइस रैक्स हो गया, स्पाइस ऑर्गेनाइज़र, स्पाइस होल्डर। अब तीनों को तीनों नेम्स के साथ जब सर्च करेंगे ना तो तीनों के रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। तीनों के स्टेट्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते तो होंगे लेकिन डिफरेंट आएंगे, सेम नहीं आएंगे। तो इसलिए आप ये ना करें कि मैंने स्पाइस रैक हंट कर लिया है तो मैं अब स्पाइस ऑर्गेनाइज़र नहीं हंट करूँगा। नहीं, आप एक एक चीज़ हंट करें। ठीक है, फिर जब आप ओपन करते हैं अमेजोन पर, कभी कभी आपको पता है कि यहाँ पे भी अक्सर ये नेम्स आ रहे होते हैं, इधर आपके लेफ्ट साइड पर अक्सर वो आपको ना आइडियाज़ दे रहे होते हैं, कभी कभी, हर दफ़ा नहीं, कभी कभी, तो वहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस तरह से आपको आइडिया का बता रही हूँ कि आप कहाँ से एक आइडियाज़ ले सकते हैं। तो आप कोशिश करें, बल्कि लाजमी करें, और मुझे बताएं कि आपने क्या क्या सर्च किया और क्या क्या प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पर पूरा उतरी है। ठीक है, आई थिंक सो कि मैंने आइडिया फाइंडिंग को जो है वो काफ़ी आसान कर दिया कि आप लोग प्रोडक्ट का आइडिया कहाँ से ले सकते हैं, है ना। चले जी, अब आप लोग कोशिश करें, तैयारी करें इसकी, और मुझे जल्दी से मेल करें या कमेंट करें आइडियाज़, ताकि मैं चेक करूँ कि आप लोगों को मेरी कितनी समझ आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी सोर्सिंग पर। इसके अलावा भी अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं किस पर वीडियो बनाऊं, किस लेक्चर की, कौन सा लेक्चर दूं, या कोई भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे वो बताएं। ठीक है, तो टिल देन फॉर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।